पास शंभू शंकर जी की जन्म एनुअल सर्वसरी है, उस पर आप आए हैं, क्या कहना चाहोगे? मेरा इस एनुअली जो ये होता है, इतना बड़ा एक महोत्सव बन चुका है ये, मैं इसकी हिस्सा रही हूँ। मैं पहले भी आई हूँ, एकदम पहला साल था तब आई हूँ, और आज इस बार 10th ईयर है, तो बहुत गर्व की बात है। मुझे बहुत दीपक पंडित मेरे बहुत प्रिय मित्र हैं, और उनके परिवार के साथ मेरा बहुत गहरा संबंध है, और मैं बहुत अपने आप को बहुत प्रिविलेज मानती हूँ कि इतने गुणी खानदान म्यूजिशियंस के साथ मेरा उठना बैठना है। हमने काम किया है, बहुत कुछ सीखा है थ्रू आर वर्क टुगेदर, और ये जो लेगेसी है उनके पापा की और शंकर जी, शंभू जी, इसको आगे लेके जा रहे हैं और इतना बड़ा काम कर रहे हैं क्लासिकल म्यूज़िक को नए जनरेशन तक और अच्छे अच्छे कलाकारों को इस स्टेज पर लेके आ रहे हैं। इससे बेहतर और अच्छी बात क्या हो सकती है? एंड एज अ म्यूजिशियन आई फील वेरी प्रिविलेज्ड कि आई एम विटनेसिंग दिस, और आज का दिन बहुत इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है कि मुझे इसका एक मेमोरियल अवार्ड, मैं इसके लिए आई हूँ, तो बहुत मेरे लिए इमोशनल डे है। जिस नाम से ये अवार्ड है, तो शंकर शंभू मेमोरियल अवार्ड, इस नाम के साथ ही इतनी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी जुड़ जाती है। ये आशीर्वाद है उनका ऊपर से, हम सब बच्चों को वो आशीर्वाद दे रहे हैं, इसलिए हम म्यूज़िक कर पा रहे हैं, पर इसके साथ एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अच्छे गाने को आगे तक लेके जाना है। अपने हमारे टाइम्स, हमारा जनरेशन जो है क्लासिकल म्यूज़िक और अच्छे म्यूज़िक की तरफ रुझान रखे, और इस हमारा जो इतना रिच कल्चर है भारत का, हमारे भारतीय म्यूज़िक को आगे लेके जाने के लिए और भी लोग जुड़ जाए इस, सो आई फील वेरी ऑनर्ड एंड हैप्पी टू बी अ रेसिपिएंट। श्रोताओं के दिल में आपकी आवाज़ राज करती है। अभी इस नए साल में हम आपको कहाँ कहाँ सुन पाएंगे, क्या कुछ पाइपलाइन? कुछ ना कुछ हो ही जाता है, ये कहना बड़ा मुश्किल है जब तक कि फिल्म नहीं रिलीज़ होती है कि क्या है, पर अच्छे अच्छे गाने हैं, कुछ रहमान सर के हैं, प्रीतम दा के हैं, दीपक भाई के साथ भी हमने कुछ काम किया है, आप सून देखेंगे, उनका बेटा है समीर, वो भी बहुत अच्छा गा रहा है, बहुत टैलेंटेड फैमिली है, तो आगे की जनरेशन भी अच्छी गा रही है, तो हमने उनके साथ भी कुछ किया है। सो यू विल सी अ लॉट ऑफ गुड वर्क, फिल्म, नॉन फिल्म, हिंदी, साउथ इंडियन, रीजनल लैंग्वेजेस, ऑल ऑफ इट हैपनिंग ऑल टुगेदर। मैम, इस तरीके के जो अवार्ड शो होते हैं उससे फिल्म इंडस्ट्री को या संगीत दुनिया को कितना कुछ फायदा होता है या क्या सीखने को मिलता है अगली जनरेशन? जैसे मैंने कहा कि इससे प्रोत्साहन मिलता है आगे की जनरेशन को, जो लोग म्यूज़िक में अपना पूरा समर्पण कर चुके हैं, अच्छे से सीख रहे हैं, उनको ऐसे स्टेज पर अच्छे दिग्गजों के सामने आना, उनके साथ उठना बैठना, और आई थिंक दिस इज़ अ वेरी इंस्पायरिंग एटमोसफियर विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन टूडेज टाइम्स, बिकॉज अदरवाइज बहुत आई फील बहुत ज़्यादा वेस्टर्नाइज्ड हो चुका है हमारा म्यूज़िक। सो समवेयर हमारी जो रूट्स हैं उसको ना लोग भूल जाएं, तो इसके लिए ऐसे अवार्ड्स बहुत ज़रूरी हैं। बहुत बहुत थैंक यू, मैं यहाँ हूँ बिकॉज ऑफ माई फैंस, मेरे सुनने वाले, मेरे चाहने वाले, उनको सबको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, और व्हाट कैन आई से, आई एम जस्ट ग्रेटफुल फॉर ईच एंड एवरी मोमेंट, बिकॉज ऑफ योर लव आई फील एनर्जाइज, मोटिवेटेड टू कीप डूइंग गुड वर्क, तो आप प्यार देते रहे, आशीर्वाद देते रहे। मैं इनके साथ मुझे फोटो चाहिए, मीट करोगे? मैं इनके साथ फोटो करोगे? ये पिक्चर क्लिक कर दोगे आप? सॉरी, ये पिक्चर क्लिक करूंगा, पाँच सौ रुपये लगेगा। जी क्या कुछ आपकी यादें हैं?
पहले तो मैं सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा, अभिनव जी का, हार सिटी मॉल का, और जितने यहाँ तमाम जो टीम है जिन्होंने इतने प्यार से इस प्रोग्राम को संजोया है, उन सबका तहे दिल से शुक्रिया और धन्यवाद। शंकर शंभू जी, शंकर जी मेरे ताया जी थे, अंकल मेरे, शंभू जी मेरे पिताजी, उनसे ही म्यूज़िक सीखा, गाना सीखा, वायलिन सीखा। तो ये मेरी कोशिश है कि हर साल उनकी बरसी पे, आज उनके उनकी बरसी, उनकी पुण्यतिथि है, आज उनकी 34 साल हो जाएंगे आज उनको बरसी को। तो ये 10 साल पहले सिलसिला शुरू हुआ था कि उनके बरसी के दिन एक संगीत समारोह किया जाए और उनको याद किया जाए, क्योंकि पिताजी और ताऊजी ऐसे कलाकार थे कि कव्वाली उनकी पहचान थी, बट दे आर क्लासिकली ट्रेंड, वैसे ही गज़ल, वैसे ही भजन, वैसे ही शब्द, उन्होंने म्यूज़िक वर्ल्ड में जो जितने जो जॉनर हैं वो सभी तरह उन्होंने अपने सुरों के ज़रिए उसको बहुत अच्छे से पिरोया है, और बहुत अच्छे अच्छे मैसेज भी संगीत के ज़रिए दिए हैं उनको। बहुत बड़े बड़े उनको खिताब मिले हैं, ख्वाजा पसंद का खिताब मिला है, डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब ने उनको सम्मान किया था ख्वाजा पसंद के खिताब से, अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने। तो मेरी कोशिश यही है कि उनको याद करें और उनका जो सिखाया हुआ म्यूज़िक है, उनकी जो लेगेसी है, उसको हम कैरी फॉरवर्ड आगे लेके चलें। तो यही है कि बस उनका आशीर्वाद है और उनकी दुआएं कि जो उन्होंने रास्ता बताया उस रास्ते पे हम चल पा रहे हैं। सर, आपने जो म्यूज़िक सीखा, जी जाहिर सी बात है कि आपने घर में थे तो उन्हीं से सीखा होगा। जी, उनसे ही सीखा, उनसे ही सीखा होगा। जी, आपके सीखने के दौरान क्या कुछ यादें रही, कैसे वो सिखाते थे आपको? क्या होता है कि जो बहुत अच्छे परफॉर्मर होते हैं ना, वो बहुत अच्छे टीचर नहीं होते। तो ये बड़ा कमाल का कॉम्बिनेशन था कि वो जितने अच्छे परफॉर्मर थे उतने अच्छे टीचर थे। तो कुछ कुछ टीचर बड़े स्ट्रिक्ट होते हैं, तो वो कभी कभी ऐसा होता है कि जो बच्चा जो भी होता है, वो एज जो होती 5 साल 6 साल की, उसमें बड़ा प्यार से और बड़ा संजो के बताना पड़ता है। तो उन्होंने पहले हमको प्यार कराया म्यूज़िक से। जब आप म्यूज़िक से प्यार करने लग जाते हो, म्यूज़िक नहीं, आप किसी चीज़ से भी अगर प्यार करने लग जाते हो तो आपकी लगन लग जाती है उसमें। तो उस तरीके से उन्होंने आगे धीरे 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 करके और बड़े सहज भाव से सिखाया। पता ही नहीं चला मैं कब वायलिन बजाने लगा, कब गाना गाने लगा, बहुत सारी और भी इंस्ट्रूमेंट्स बजाता हूँ मैं। तो ये पिताजी का और ताऊजी का एक आशीर्वाद है, और ये मेरी कोशिश रही है कि ये हर साल मैं उनके नाम से ये फंक्शन करता रहूँ, फेस्टिवल करता रहूँ, म्यूज़िक फेस्टिवल। और जब मुझे 5 साल हो गए थे करते हुए, तब मैंने उनके नाम से एक अवार्ड शुरू किया, शंकर शंभू मेमोरियल अवार्ड। तो वो अवार्ड में बहुत गुणीजन शामिल हुए, पंडित शिव कुमार शर्मा जी, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी, पंडित संगीत मार्तन, पंडित जसराज जी, विश्वमोहन भट्ट जी, जाकिर हुसैन साहब। तो आज हम, मैंने ये सोचा 10वां साल हो रहा है, तो जो ये जनरेशन है, इस जनरेशन में भी जो काम कर रहे हैं लोग, तो इसमें श्रेया घोषाल मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं, लेकिन बहुत बड़ी कलाकार हैं, तो उनको हम सम्मानित कर रहे हैं। उन्होंने अपने संगीत के ज़रिए देश विदेश में बहुत अच्छे अच्छे मैसेज पहुँचाए हैं, और बहुत डिज़र्विंग है, उनको तो करोड़ों अवार्ड मिले हैं। लेकिन ये मेरी एक कोशिश है कि नॉर्मली अवार्ड के लिए बहुत साल लग जाते हैं, तो एक ये जनरेशन और एक जो उस्ताद राशिद खान साहब है, पद्म भूषण राशिद खान साहब, उनको सम्मान कर रहे हैं, और रिदम के बादशाह, जो ड्रम के बादशाह जिनको कहते हैं हम, रंजीत बारोट जी, आज उनको सम्मानित कर रहे हैं। तो ये कोशिश है। सर, आप इतना सब कुछ कर रहे हैं, लेगेसी फॉरवर्ड कर रहे हैं, जी, तो क्या कुछ उनकी याद में कोई फाउंडेशन बनाने वाले हैं जहाँ से आने वाले जनरेशन को तालीम मिले? ऐसा अभी तक कुछ सोचा नहीं है भाई, क्योंकि क्या ये सब चीज़ें मैं तभी कर पाऊँगा जब मैं अंदर से उस चीज़ को खुद से मैं फील कर लूँ कि मैं इस लायक हो गया हूँ, कि मैं इस चीज़ को एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। क्योंकि कोई भी काम शुरू करना बहुत आसान होता है, लेकिन उसको मेंटेन करना और उसको कंटिन्यू करना, वो एक चैलेंज होता है। तो वो भी कोशिश रहेगी मेरी कि आगे चल के कुछ उनके नाम की फाउंडेशन बनाई जाए, म्यूज़िक स्कूल बनाया जाए, जहाँ पे आए लोग फ्री में सीखें, और हमारा जो क्लासिकल म्यूज़िक है या हमारा जो भारतीय संस्कृति जो है, जो हमारी धरोहर है, वो जाने ये जनरेशन और उसमें रुचि ले। और मैं देखता हूँ बहुत अच्छे अच्छे लोग काम कर रहे हैं, तो बस यही कोशिश है।
सर, नए जनरेशन को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? यंग जनरेशन को यही मैसेज देना चाहूँगा कि बस अपना काम दिल से करें और अच्छे गुरु के पास सीखें। कितने लोग आते हैं मेरे पास कि हमने YouTube में देखे, ये सीखा, ये किया, विच इज़ फाइन, विच इज़ गुड, बट यू नीड गुड टीचर। वो एक सीखना अलग होता है, जो आप गुरु के साथ रह के सीखते हो वो सीखना, और उसका सीखने के बाद उसका जो गाना बजाना होता है वो अलग होता है। YouTube को देख करके, सुन करके सीखना, वो एक अलग होता है। अपना मेहनत करें और अपना गोल बनाए लाइफ में कि मुझे ये करना है। ऐसा नहीं कि अभी ये ट्रेंड चल रहा है तो ये इसको फॉलो करो, ऐसा नहीं। आप ये इसमें देर इज़ नो शॉर्टकट, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है, बट आपको आपकी मंजिल मिलेगी अगर आप चलना शुरू कर देंगे तो। तो बस मेरा यही मैसेज है सबसे कि अपना काम करते रहिए, दिल से शिद्दत से काम करते रहिए, अपने आप मंजिल तक पहुंच जाएंगे आप। थैंक यू सर, थैंक यू। हेलो सर, श्री शंकर जी और श्री शंभू जी के याद में उसमें आप क्या कुछ करने वाले हैं, याद में क्या कुछ करना? मैं फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ऑनर्ड फील कर रहा हूँ कि इस प्रोग्राम का पार्ट हूँ, और दीपक भाई जो मेरे बड़े भाई हैं उनकी वजह से मैं यहाँ हूँ, और बस शंकर जी शंभू जी को हम अपनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं, और बस प्रेजेंस है हमारी, मतलब हाजिरी है एक तरह से, और बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। मैं कीबोर्ड पे हूँ और वेरी एक्साइटेड टू बी। मेरी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन हमारे जो फादर हैं, हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, जिन्होंने उन्हें सुना है, जिन्होंने उस टाइम पे उनका म्यूज़िक सुना है, वो कहते हैं कि ऐसे कवाल नहीं थे, ऐसे जो जो कहते हैं हिंदू कवाल जो है, वो कमाल के परफॉर्मेंस उनकी, कमाल की पोइट्री, और बहुत बहुत अच्छा कमांड था उनका अपने काम पे। तो ये सब सुनने को मिला है उन्हें, खैर बाकी रिकॉर्ड वगैरह तो सुने ही हैं, तो अद्भुत हैं। और आज जो है फॉर्चुनेट है कि आज उनके यहाँ उनके बेटे के साथ परफॉर्म कर रहे हैं। सर, अपनी कोई यादगार चीज़ें बताएं, किसके साथ आपने संगत किया, कहाँ पे आपकी कीबोर्ड, कहाँ कहाँ पे आपने किसके साथ संगत किया? कीबोर्ड तो मैंने खैर बहुत कम लोगों के साथ बजाया है, मेरे पिताजी घनश्याम वासवानी, सुनिधि चौहान, शान, थोड़ा बहुत मैं बॉलीवुड करता था, बट अब मैं फ्यूजन दीपक जी के साथ, पारस जी के साथ, और जब मौका मिलता है कभी तो हरी जी के साथ, हरिहरन जी के साथ, और बाकी मैं म्यूज़िक प्रोडक्शन करता हूँ। तो नए वर्ष में आपका कुछ कोई प्रोग्राम, कोई पाइपलाइन प्रोजेक्ट है सर? नए वर्ष में थोड़ा ट्रैवल है, दीपक जी के साथ ही उनका एक सिम्फनी है जो बेसिकली फ्यूजन म्यूज़िक ही है, लेकिन उसमें दोनों तरफ लाइट भी और क्लासिकल दोनों का मिक्स है वो, तो उसके लिए हम ट्रैवल कर रहे हैं, तो फरवरी में काफ़ी ट्रैवल है उसको, उसी को लेके, तो लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। थैंक यू, थैंक यू। लुक कैमरा, दोनों ही एक्चुअली गज़ल है। एक मैंने संजय लीला भंसाली सर का एक एल्बम आया है नॉन फिल्म एल्बम कॉल्ड सुकून, मैंने उसमें एक गाना गाया है, गाने का नाम है सिवा तेरे, तो वो गाना मैं परफॉर्म करूँगी, और एक गज़ल है इश्क में गए रहते, मैं वो भी परफॉर्म करने वाली हूँ। नए वर्ष में हम लोग आपको और कहाँ सुनाए? प्रोजेक्ट्स तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे मूवीज़ आ रहे हैं, बहुत सारे कॉन्सर्ट टूर्स भी हैं, US टूर है, तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि बॉलीवुड के बारे में हम लोग पहले से कुछ भी नहीं बोल सकते, बट आई कैन अश्योर यू दैट अ लॉट ऑफ मूवी वर्क, एंड मैं कंपोज़र भी हूँ, मैं खुद का गाना के गाने कंपोज कर रही हूँ, तो मैंने मेरे खुद के कॉम्पोजिशंस भी बहुत सारे रिलीज होंगे बहुत जल्दी। मैम, आप कंपोज भी करते हैं, सिंगिंग भी करते हैं, तो सुनाना चाहेंगे दर्शकों? श्योर।
ये गाना जो मैं गाने जा रही हूँ मेरा कंपोजिशन नहीं है. दिस सॉन्ग इज़ बाय सचिन जिगर, वन ऑफ माय फेवरेट कंपोजिशंस व्हिच आई हैव सॉन्ग. अब के सावन मोरे अभी तक तो वैसे तो परफॉर्म नहीं किए हैं, बट बहुत सारे आइडल्स हैं, जैसे कि बॉलीवुड में अरिजीत सिंह इज़ देयर, सुनिधि चौहान इज़ देयर. मैंने काम किया है उन लोगों के साथ, लेकिन परफॉर्म नहीं किया. और एक्चुअली यहाँ पे जो सारे लोग परफॉर्म कर रहे हैं, श्रेया जी इज़ देयर, दीपक जी हिमसेल्फ इज़ देयर, पारस भाई इज़ देयर, एवरीबडी देयर, दे आर ऑल लाइक आइडल लाइक टू मी. So it's a great honor for me that I'm performing with them on the same stage. So I feel extremely grateful to Deepak ji for inviting me to this wonderful occasion and inviting me to perform. It's a matter of great honor for me. सबसे पहले तो नमस्कार, और मैं सादर प्रणाम करता हूँ आदरणीय पूजनीय पंडित शंकर शंभू जी, जो हमारे मेरे बड़े भाई दीपक पंडित जी के पिताजी बाऊ जी और उनके गुरु हैं. और उनका संगीत आज तक, उनके संगीत से कई युवा कलाकार और बहुत सारे बड़े बड़े कलाकार उनके संगीत को सुन के सीखते आए हैं और कई सदियों तक सीखते रहेंगे. और मेरा ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि उनकी याद में दीपक भाई ने इतना बड़ा आयोजन उनके श्रद्धांजलि के रूप में रखा है और मुझे इसका भागीदार बनाया है और मुझे साथ अपने रखा है. और मैं अपने बांसुरी के द्वारा उनके चरणों में अपनी प्रार्थना और अपनी श्रद्धांजलि सुरों के साथ देने वाला हूँ. सो ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आज मुझे ये अवसर प्राप्त हुआ कि आज मेरी प्रस्तुति है सर्व पंडित शंकर शंभू जी के इस एनुअल फंक्शन पे. सर, आपकी आवाज़ बहुत ही प्यारी है, आज आप परफॉर्मेंस देने वाले हैं जी, क्या कुछ आपका सुर श्रद्धांजलि होगी, सुनाएंगे दर्शकों? जी, मैं बांसुरी पे एक राग प्रस्तुत करने वाला हूँ, और जो कि राग पूरा कल्याण है, और बाकी जिसमें आलाप जोड़ और तीन ताल के साथ में जो मेरे साथ तबले पे हैं प्रशांत सोनाग्रा जी, वो भी बहुत बड़े घराने से, म्यूज़िकल घराने से बिलोंग करते हैं, और वो मेरे साथ तबले पे कम्प्लीमेंट कर रहे हैं. सो मेरा सौभाग्य है कि आज इतने बड़े बड़े गुणीजन सामने बैठ के आशीर्वाद देंगे, सुनेंगे, और उनके सामने अपनी प्रस्तुति देने का अवसर प्राप्त हो रहा है, मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है. सर, आप इतने सारे लोगों के साथ आज होंगे स्टेज पे, क्या कभी शंकर जी से भी मुलाकात? जी, अभी फिलहाल तो मेरी सोलो परफॉर्मेंस है बांसुरी पे. जी, कभी शंकर शंभू जी से भी मुलाकात हुई नहीं? ये मेरा मैं क्या कहूँ कि मेरा बहुत बदनसीबी है कि मैं उनका आशीर्वाद वैसे तो नहीं ले पाया, पर आज मेरे लिए ये बहुत सौभाग्य की बात है कि आज उनके लिए श्रद्धांजलि देते हुए आज उनका आशीर्वाद हम सबको मिल रहा है. कभी मतलब ऐसा कुछ हुआ आपके साथ? बहुत बड़े लेजेंडरी लोग हैं, हरी प्रसाद चौरसिया जी हैं, जाकिर हुसैन साहब हैं, उन सबके साथ कभी आपको करने का मौका मिला? जी जी, ज़रूर मिला है. पंडित हरी प्रसाद चौरसिया जी तो हम सबके गुरुतुल्य हैं, और उनका आशीर्वाद मुझे, उनका स्नेह, उनका आशीर्वाद हमेशा मिलता ही है, और उनके आशीर्वाद के बिना तो
मुझे लगता है कि कोई भी जो युवा बांसुरी वादक है उनके आशीर्वाद के बिना संपूर्ण नहीं है। और जैसे सुर के लिए, बांसुरी के सुर के लिए पंडित हरिप्रसाद चौरसे जी का आशीर्वाद बहुत ज़रूरी है, वैसे ही लय बजाने के लिए, ताल बजाने के लिए उस्ताद जाकिर हुसैन जी का आशीर्वाद और उनका स्नेह, उनका प्रेम किसी भी कलाकार के लिए बहुत ज़रूरी है। तो दोनों का ही आशीर्वाद प्रेम मुझे हमेशा मिला है। आप अपना आइडल किसको मानते हैं? मेरे आइडल मेरे पिता हैं, मेरे गुरु मेरे पिता पंडित अमरनाथ जी, मैं उनको अपना भगवान मानता हूँ, वही मेरे आइडल हैं। उन्हीं का आशीर्वाद है जिसके वजह से मैं आज यहाँ खड़ा हूँ और आज तक जो भी मुझे प्राप्त हुआ है उन्हीं का आशीर्वाद है, मेरी माता मेरे पिता का आशीर्वाद है। सर, आप बांसुरी बजाते हैं जी, क्या कुछ दर्शकों को बजा के सुनाएंगे? जी, मैं बस अभी स्टेज पे ही जाने वाला हूँ और मैं वहाँ अपनी प्रस्तुति सब दर्शकों के लिए ही देने वाला हूँ। आप भी ज़रूर सुनिएगा और मुझे बताइएगा बाद में आपको कैसा लगा। धन्यवाद। जी जी, धन्यवाद। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे दीपक जी ने ये मौका दिया कि मैं अपनी हाजिरी ऐसे महान कलाकार के लिए दे पाऊँ, तो बहुत ही ऑनर्ड फील कर रहा हूँ और बहुत ही प्रिविलेज्ड हूँ। और उनका बहुत बड़ा आशीर्वाद है मेरे पे कि मैं उनके लिए इस दिन पे हाजिरी लगा पा रहा हूँ। हाँ जी, आप उसमें क्या करने वाले हैं? सर, मैं मेरी तबले के द्वारा मैं उनके चरणों में एक छोटी सी हाजिरी पारस जी के साथ अकम्पनी कर रहा हूँ, मैं और मधुबंती जी और बाकी आर्टिस्टों के साथ अकम्पनी कर रहा हूँ। ये जो नया वर्ष है, इसमें आपके कोई एल्बम्स, कुछ सॉन्ग आने वाले हैं सर? अभी जो है दीपक जी के साथ ही काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जिनमें तबले पे मैं काम कर रहा हूँ और बाकी भी संजय लीला बंसाली जी के कुछ फिल्म्स के लिए मैं रिदम अरेंजर, एज अ रिदम अरेंजर में काम कर रहा हूँ। विशाल मिश्रा जी के लिए काफ़ी गाने कर रहा हूँ, तो चल ही रहा है बुजुर्गों के आशीर्वाद से। तबले पे संगत करते हैं? हाँ जी। जाकिर हुसैन, उस्ताद जाकिर हुसैन साहब का बहुत बड़ा नाम है सर। बिल्कुल, उनसे कभी मुलाकात हुई? बिल्कुल, उनसे मुलाकात हुई है और उनके दिखाए हुए रास्ते पे बस चलने की कोशिश कर रहे हैं हम। तो ये तो यही है कि उनको, उनके चरणों में तो हमेशा हमारा कोटि कोटि नमन रहेगा ही, और जो उन्होंने तबले को एक ऐसा स्थान दे दिया है, तो भगवान उनको अच्छा रखे और उनको हमारी भी उम्र लग जाए। अभी आप कौन किसके साथ संगत कर रहे हैं, किस पे संगत कर रहे हैं? मैं पारसनाथ जी के साथ तबले पे संगत कर रहा हूँ, मधुबंती जी जो गा रही हैं उनके साथ मैं संगत कर रहा हूँ, दीपक जी के साथ भी एक एक्ट पे मैं उनके साथ रहूँगा। तो यही है फिलहाल, तो बाकी जो ऐसे दीपक जी बोलेंगे वैसे हाजिरी देंगे। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। नमस्कार, मैं सबसे पहले दीपक पंडित जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जिन्होंने मुझे यहाँ अपना परफॉर्मेंस देने के लिए मुझे यहाँ इनवाइट किया। और कवाल लेजेंड्स श्री शंकर शंभू जी के लिए वे हर साल ये एनुअल फंक्शन करते हैं और ये हम सब के लिए बहुत ही बड़ी बात है, इनफैक्ट सारे म्यूज़िक फ्रैटर्निटी के लिए बहुत ही बड़ी बात है कि ये इतने बड़े पैमाने पर भारत के बड़े 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 कलाकार जैसे आज उस्ताद राशिद खान साहब आ रहे हैं, वर्ल्ड फेमस पर्कशनिस्ट और ड्रमर रंजीत बारोट जी आ रहे हैं, श्रेया घोषाल जी आ रही हैं, तो वे सब प्यार से और ये फैमिली से इतने जुड़े हुए हैं, तो वे अपनी सब अपनी हाजिरी देने यहाँ आ रहे हैं और उनको अवार्ड भी दिया जा रहा है, तो ये हम सब के लिए बहुत ही अच्छी बात है, बड़ी बात है। और मैं चाहता हूँ कि ये हर साल इसी तरह बढ़ता रहे ये एनुअल फंक्शन, और हर लोगों तक पहुँचता रहे ताकि लोग बड़े पैमाने पर आए और ये फंक्शन को अटेंड करें। सर, आप अपनी श्रद्धांजलि किस रूप में? मैं आज शाम को उस्ताद राशिद खान साहब के साथ तबला बजाने वाला हूँ और श्री दीपक पंडित जी के साथ भी उनके साथ तबला बजाने वाला हूँ। सर, कभी आपकी मुलाकात नहीं पंडित जी से?
नहीं, अनफॉर्चुनेटली नहीं हुई, बट मैं ये समझ के आता हूँ कि ये मेरी हाजिरी है और एक आशीर्वाद के तौर पे कि मुझे कुछ यहाँ से कुछ सीखने मिले, इतने बड़े बड़े कलाकार हैं, उनसे कुछ सीखने मिले, कुछ जानने मिले, और बस मैं अपनी हाज़िरी देने के लिए आता हूँ। और मेरे लिए बड़ी बात है कि दीपक भाई मुझे हमेशा याद करते हैं। सर, आप तबले पे संगत करने वाले हैं? जी। तबले में उस्ताद जाकिर हुसैन साहब हैं जी। क्या कभी आपकी उनसे मुलाकात हुई? उनसे आशीर्वाद मिला है मुझे, और सिर्फ मैं ही नहीं लेकिन हमारे सारे म्यूजिशंस उनको देखते आ रहे हैं, वो हमारे आइडल हैं, तो बहुत कुछ उनसे सीखने मिलता है, उनको सुनने का मौका मिलता है, तो ये हमारे लिए बहुत ही खुशनसीबी है हमारे। सर, ये 9 वर्ष चल रहा है जी, तो अभी इस 9 वर्ष में आपके क्या कुछ प्रोजेक्ट्स हैं? जी, सो ये साल में काफ़ी सारे म्यूज़िक फेस्टिवल्स हो रहे हैं इंडिया में, तो और काफ़ी सारे कॉन्सर्ट्स इंडियन क्लासिकल हो रहे हैं, फ्यूजन कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं, तो वहाँ पे मुझे बजाने का मौका मिला। अभी मुंबई में काला घोड़ा फेस्टिवल भी चल रहा है, तो वहाँ पे भी मुझे बजाने का मौका मिलेगा, तो अच्छी बात है कि काफ़ी समय के बाद, ब्रेक के बाद, 2 साल के ब्रेक के बाद ये सारी चीज़ें और खुली हैं, और सिर्फ म्यूजिशंस के लिए नहीं लेकिन ये सुनने वालों के लिए भी बहुत अच्छी बात है कि वे लोग लाइव कॉन्सर्ट सुनने आएँ और सारे आर्टिस्टों को बढ़ावा दे, उन्हें प्रोत्साहित करें और क्लासिकल म्यूज़िक को और अच्छे लोग आए सुनने, ऐसी मेरी इच्छा है। थैंक यू सर, थैंक यू। अभी आप शंभु शंकर जी के सरवरी में आए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? जी, आज मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ और साथ ही साथ एक नम फीलिंग है, क्योंकि आज हम इतने लेजेंडरी आर्टिस्ट जो थे हमारी इंडस्ट्री के, शंकर शंभू जी, उनकी आज हम एक तरह से डेथ एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं। एनिवर्सरी तो नहीं, बट हम आर्टिस्ट हमेशा म्यूज़िक को और आर्टिस्ट को और म्यूजिशियंस को सेलिब्रेट करते हैं, तो आज जब मैं यहाँ पर आई तो इतने सारे आर्टिस्ट और इतने सारे म्यूजिशियंस, सभी लोग कहीं ना कहीं उन आर्टिस्ट को सेलिब्रेट कर रहे थे और उनका जो दिया हुआ म्यूज़िक है उनको एक तरह से एक म्यूज़िक की श्रद्धांजलि दे रहे थे। तो इट गिव्स मी एन इमेंस प्लेजर टू बी हियर टुडे, और मुझे बहुत खुशी हुई कि आज मैं इतने सारे आर्टिस्ट को लाइव सुन सकी। और एक आर्टिस्ट से आर्टिस्ट का जो एक नाता होता है, संगीत का नाता जो होता है, उससे मैंने कहीं ना कहीं उस डिवाइन पावर से जुड़ते हुए देखा, सुना, और आई एम सो हम्बल टुडे, और बहुत खुशी महसूस हो रही है आज यहाँ पर आकर। हाँ जी, अभी काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, बट एकदम रिसेंट में कहूँ तो एक नई फिल्म अभी आने जा रही है, कंगना रनौत जी पर फिल्म आने वाली है, जो द इनकार्नेशन सीता, तो फिलहाल अभी तो उस पर काम जारी है, बट वी आर वर्किंग ऑन इट, और बहुत जल्द आप सभी को सिनेमाज में देखने को मिलेगी, सुनने को मिलेगी। ह्यूज फैन ऑफ श्रेया मैम, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं जब बहुत छोटी थी, मतलब 4-5 साल की बच्ची थी, तब जब मैंने उनके गाने सुने थे, मैं तब से उनकी सबसे सबसे बड़ी फ़ैन रही हूँ, और आज बिल्कुल मेरे लिए एक फ़ैन मोमेंट डे था, क्योंकि ऐसा होता है ना कि जिनको आप बहुत ज़्यादा चाहते हो, मैं पूरी ऑलमोस्ट पूरी इंडस्ट्री से लोगों से मिली हूँ, कितने बड़े बड़े आर्टिस्ट और सभी से मिलने का मुझे मौका मिला है, बट जिनको मैंने बचपन से आइडल माना था, श्रेया जी, उनको मैं आज तक नहीं मिली थी, हालांकि उनसे मैं बात कर चुकी थी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी, बट मिलना एक अलग ही इमोशन होता है, तो आज का दिन मेरे लिए बहुत 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 ज़्यादा ब्लेसिंग से भरा हुआ है, क्योंकि आज मैंने अपने आइडल और जिनको मैंने बचपन से मतलब पागलों की तरह सुना है, आज उनसे मुझे मिलने का मौका मिला। मन्नत तो मैं ये कहूँगी बहुत बरसों पहले मांगी थी, पूरी आज हो पाई है, बट आई एम सो ग्रेटफुल, और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मतलब पहले तो मैं कांप रही थी उनसे मिलने में, जबकि मैं उनसे बात कर चुकी हूँ पहले भी, बट आज का एक अलग ही अरोमा था, और जितनी हम्बल वो हैं,
और जितनी डाउन टू अर्थ वो हैं और एक झटके में वो मुझे पहचान गई। पहले मैं मन में सोच रही थी मैं उनको कैसे याद दिलाऊंगी, मैम मैं ये हूँ, मैं आपसे बात कर चुकी हूँ, ये वो। उन्होंने स्ट्रेट अवे मुझे पहचाना और स्ट्रेट अवे मुझसे बात किया, कैसी हो इशिता। और मैं वहाँ पे शॉक, मुझे ऑलमोस्ट एक अटैक आ चुका था कि क्या रिएक्ट करूँ मैं। तो लिटरली आज मेरे लाइफ का सबसे सबसे प्यारा दिन है, सबसे बेस्ट दिन है कि जिनको मैंने बचपन से अपनी बिल्कुल भगवान माना, आज उनसे मिलने का मुझे मौका मिला। तो मैं बिल्कुल दिल से थैंक यू बोलना चाहूँगी अभिनव उपाध्याय जी का, जिन्होंने मेरे सपने को, इतने पुराने सपने को आज साकार कर दिया। थैंक यू सो मच।